Hi guys, welcome to our channel Yes to Healthy Life. How are you guys? I hope you all are doing good. तो guys, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको यहाँ पे क्रिसमस की सेलिब्रेशन और क्रिसमस की डेकोरेशन दिखाऊंगी. सो फॉर दैट आज हम लोग जा रहे हैं इन द सेंटर ऑफ दिस सिटी. वहाँ पर ही मेजरली जो सेलिब्रेशन होती है, तो मुझे भी अभी कुछ नहीं पता है वहाँ पे क्या होने वाला. तो आई एम डैम एक्साइटेड टू सी दिस. मैंने सुना है कि वहाँ पे सेंटा क्लॉस आएगा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन होती है. हर साल होती है, इस बार भी हुई है. तो इफ़ यू वांट टू सी देन बने रहिए वीडियो के साथ. तो हमने टैक्सी बुक करी है एंड हम अभी निकल रहे हैं बस वहाँ के लिए. तो वहाँ पे पहुँच के आपसे बात करते हैं. गाइज, हम लोग ना लिटरली पौने घंटे से ट्रैफिक में फंसे हैं. नेवस्की के ऊपर ही आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं. अब थोड़ी सी गाड़ी चली है और जो प्रोग्राम हमें देखना था 6 बजे, उसके आई थिंक हम लोग आधा घंटा लेट हो चुके हैं. सो आई डोंट नो वहाँ पे अभी हमें क्या देखने को मिलेगा. बट मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पर अभी भी मतलब जो रौनक मिला है और फिर भी जो सेंटा क्लॉस मेन नहीं आना था वो अभी भी वहीं पर हो. सो आई विश सो, देखते हैं क्या बनता है आगे चल के. अब थोड़ी सी गाड़ी चली है लेकिन तब से जो है हम लोग फंसे ही हुए हैं. अभी फिर रुकी है, अभी भी हमें काफी आगे जाना है. सो लेट्स सी क्या होता है. सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं लोकेशन पे और आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो. बहुत बहुत ज्यादा क्राउड है. सो ये एंट्रेंस है जहाँ से हमें जाना है. बेसिकली सब लोग बाहर आ रहे हैं और हम लोग अंदर जा रहे हैं. आप क्राउड देख सकते हो, बहुत बहुत सारे लोग हैं. सो लुक, मैं अभी ऊपर खड़े होके आपको थोड़ा क्राउड दिखाती हूँ. वन सेकेंड, लुक देयर. सो हमें वहाँ अंदर जाना है अभी और वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे जाएं. बट नो प्रॉब्लम, चले जाएंगे. बेसिकली अभी क्या हो रहा है, सब लोग जो है बाहर आ रहे हैं और इस वजह से ज़्यादा भीड़ हुई हुई है. बट आगे जो है मुझे दिख रहा है वहाँ पे फंक्शन हो रहा है, तो चलो चल के देखते हैं. लेट्स गो इनसाइड नाउ. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. और यहाँ पे बहुत अच्छी डोर मेन बना रखा है इन्होंने. बहुत बहुत सुंदर है, सो प्रिटी. मैंने अभी आपको दिखाया भी है, सो प्रिटी. चलो अभी हम अंदर चलते हैं. अंदर जो मेन ट्री है ना यहाँ का, बहुत बड़ा वाला, वो लगा हुआ है. मैं आपको अभी वही दिखाती हूँ अंदर. लेट्स गो इनसाइड. तो चल के देखते हैं कि क्या हाल चाल है आगे, क्या माहौल है. बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं. लेकिन ठंड भी बहुत है. आई थिंक राइट नाउ इट्स -10 degrees, तो फील लाइक -17. बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. सो चलो आगे चल के देखते हैं. एंड राइट नाउ मैं जहाँ पर हूँ, ये पैलेस स्क्वायर पर हूँ मैं, नेवस्की प्रॉस्पेक्ट पे. मोस्टली जो प्रोग्राम्स होते हैं सारे के सारे यहीं पर होते हैं. तो चलो चलते हैं अंदर. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this.
अपने घरों को वापस
या फिर घरों को या फिर और एंजॉय कर रहे हैं। अभी स्ट्रीट के ऊपर तो बहुत रौनक है, तो आज से लेके न्यू ईयर तक यहाँ पर ऐसे ही रहने वाला है, हर दिन कुछ ना कुछ होगा। सो ये तो था बेसिकली क्रिसमस के लिए। क्रिसमस वाले दिन भी कुछ सेलिब्रेशन होगी, तो आज है 22nd of December। अब हम लोग जो है थोड़ा सा वार्म होने जा रहे हैं, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी है। अगर आप एक भी चीज़ इनमें से नहीं पहन के आओगे ना, आपकी लग जाएगी पूरी तरह से। सो अगर आप लोग यहाँ पे घूमने निकल रहे हो तो प्लीज़ पूरा पैक होके निकलना, विंटर्स में स्पेशली। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं किधर को जाना है। फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा ओम ही हूँ राइट नाउ, मतलब मूवमेंट के इंजॉय कर रही हूँ, फुल इंजॉय कर रही हूँ। चलो चलते हैं अभी कहीं गरम गरम जगह पे, बिकॉज ठंड लग रही है। सो गाइज, जिनके साथ मैंने अभी पिक्चर खिंचवाई है ये लोग थे रेस के पार्टिसिपेंट्स। तो सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सबने सेंटा क्लॉस वाले कपड़े पहने हुए हैं। और आप जो मेरे पीछे रोड देख रहे हो ये है नेवस्की प्रॉस्पेक्ट। और न्यू ईयर पे गाइज ये रोड ना बंद रहती है, मतलब कि इसके ऊपर ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। ये रोड सिर्फ चलने वालों के लिए ओपन होती है। बहुत मज़ा आता है इस पूरे रोड के ऊपर, लोग चल रहे होते हैं इस रोड के ऊपर, कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं और लोग डांस कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ भी देखने लायक है। तो न्यू ईयर पे ऑफकोर्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी आज का प्रोग्राम यहाँ पर तो था यही, और इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि हमने एक कॉफ़ी पीनी है या सीधा घर पे जाना है। तो जैसे ही डिसाइड होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाय गाइस, सो हम लोग आ गए हैं घर पे वापस। तो वहाँ से हम लोग फटाफट आ गए घर पे। हमने सोचा कि आज नहीं रुकते हैं बाहर, आज घर पे जाके ही खाना खाएंगे। तो क्योंकि वैसे भी कल संडे है, सो हमें कोई इशू नहीं है अगर हम रात को थोड़ा लेट भी सो जाएंगे। तो ये था गाइस यहाँ का फंक्शन। सिर्फ यही नहीं था, अब हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा। 25 को भी कुछ होगा। अगर 25 को मुझे लगा कि बहुत स्पेशल कुछ इवेंट हो रहा है वहाँ पे, तो आई विल गो देयर ऑन 25th ऑल्सो। बट नहीं तो अब न्यू ईयर पे ही अच्छे से आपको सारी डेकोरेशन दिखाऊंगी। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डेकोरेशन नहीं दिखाई है, बिकॉज अगर मैं वो अभी दिखा देती तो न्यू ईयर के लिए कुछ नहीं रह जाता फिर। तो जो एग्जैक्टली जो इन्होंने पूरी सिटी को डेकोरेट किया हुआ है, स्ट्रीट को या फिर कजान कैथेड्रल के बाहर, वो सब चीज़ें आपको न्यू ईयर के व्लॉग पे देखने को मिलेंगी। एंड इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है थोड़ी सी वीडियो जो है अच्छी बनाने की, मतलब डिवाइस अपडेट किया था हम लोगों ने। तो आई होप आपको क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस लगा होगा। अगर लगा है, अगर आपको अच्छी लगी है क्वालिटी, देन हिट द लाइक बटन। फिर मैं न्यू ईयर पे भी उसी डिवाइस से रिकॉर्ड करूंगी। सो गाइज, एक और बहुत ज़रूरी बात, मेरे एक सब्सक्राइबर का बर्थडे है आज, कन्हैया लाल साहू। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा 23rd December को बर्थडे है और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें विश करूं। सो कन्हैया लाल साहू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस डे। आई विश कि आप बहुत कुछ अचीव करो अपनी लाइफ में। सो या हैप्पी बर्थडे, इन्जॉय योर डे। सो गाइज, चलो अब मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है देन आपको पता है आपको क्या करना है। एंड टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।